दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब्स ढूंढ रहे हैं। यार आज के समय में जॉब्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। अगर आप कोई भी जॉब पोर्टल ओपन करो तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारे ओपनिंग्स हैं वहां पे, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इतने ज्यादा लोग, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही है? सबसे बेसिक प्रॉब्लम के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो चीज़ भी हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जब हम कॉलेज के दौरान पढ़ रहे होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज, जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी फ्रेमवर्क्स वगैरह पढ़ाया जाता है, हमें वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आउटडेटेड है, यानी कि जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, जो इंडस्ट्री को चाहिए। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी वर्क कर रही है, उस कंपनी में अभी जो फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं, उन सब के बारे में हमें कॉलेज में बताया ही नहीं जाता। तो जब हम जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हम जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, यार इसमें तो वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी ही नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, इस वजह से हम उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो मैं बनाया हूं, और इस वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की रिव्यू करूंगा जो बहुत ही ऑसम है, बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है जॉब्स पाने में। दोस्तों ये बूट कैंप है जो पे आफ्टर प्लेसमेंट बेसिस पे काम करता है, लेकिन अदर जो पे आफ्टर प्लेसमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं बूट कैंप्स हैं, उनसे काफी डिफरेंट है। दोस्तों इस बूट कैंप की मदद से आपको इंडिया के बाहर भी जॉब मिल सकती है, यानी अब्रॉड जॉब जिसे आप बोलते हो, बहुत अच्छे पैकेज के साथ आपको जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ इस बूट कैंप में 100% प्लेसमेंट है, मतलब यानी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं उनमें से सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। यही चीजें मैं देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं सोचा इसकी एक रिव्यू वीडियो बनाऊं और आप लोग को इस बूट कैंप के बारे में बताऊं। तो हाय गाइस, मेरा नाम कैश है, आप द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल देख रहे हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जैसे प्लेटफॉर्म्स के रिव्यूज, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड, इंटर्नशिप्स, जॉब से रिलेटेड, तो ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइज अगर वीडियो देख ही रहे हो तो जरूर से यार एक लाइक दे देना, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बहुत ही जल्द और बहुत ही फ्रिक्वेंट और ऑसम वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर हम चलते हैं, वहां पे मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस जैसा कि आप लोग लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने उस बूट कैंप का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसे ओपन किया हुआ है। इस बूट कैंप का नाम है फंक्शन अप। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन काफी सारे लोग और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके बारे में और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं और जो फैक्ट हैं, जो रियल फिगर्स हैं, उनको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यार फंक्शन अप एक बूट कैंप प्रोग्राम है जो पे आफ्टर प्लेसमेंट बेसिस पे काम करता है, और यहाँ पे दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% प्लेसमेंट है, यानी जितने भी लोग यहाँ पे इनरोल करते हैं सबकी प्लेसमेंट लग जाती है। और यहाँ पे जो मिनिमम CTC की गारंटी है वो है 5 LPA, यानी 5 लाख पर एनम तक की जॉब आपको जरूर से मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। ये जो प्रोग्राम है, यानी ये जो बूट कैंप है फंक्शन अप, ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चूज करते हैं, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। और जब आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो, आपकी जो प्लेसमेंट लगती है तो आपकी मिनिमम 5 LPA वाली जॉब लगती है। यहाँ पे एडमिशन पाने के लिए कोई भी स्किल, कोई भी मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, आपने कुछ भी पढ़ाई किया हो, कोई भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया हो, यहाँ पे आप एडमिशन के लिए इनरोलमेंट फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक बार यहाँ पे एडमिशन ले लिए तो ये टोटली फंक्शन अप की गारंटी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जॉब मिलेगी। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जो फंक्शन अप है, मैंने पहले ही बताया यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, यानी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल करेगा उसको जॉब जरूर से मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज मिला है स्टूडेंट को, वो है IIT गुवाहाटी का एक स्टूडेंट जिसको 24 LPA वाली जॉब मिली थी। और इसके साथ साथ जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाली जॉब है वो है 18.5 LPA वाली जॉब, जो कि एक NIT राउरकेला के स्टूडेंट्स को मिली थी। और एवरेज जो यहाँ पे सैलरी मिलती है स्टूडेंट्स को वो है 11 LPA, यानी मिनिमम तो 5 LPA है, मतलब उससे अधिक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज
हर स्टूडेंट को 11 लाख की सीटीसी वाली जॉब मिलती है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जिस पर फोकस करना चाहता हूं, यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं उनमें से 40% स्टूडेंट्स को अब्रोड जॉब मिलता है, यानी इंडिया के बाहर उनको जॉब मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आप लोग के लिए कि यहाँ पे एक बूट कैंप में आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हो, उसके बाद आपको अब्रोड भी जॉब मिल सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स फंक्शन अप से पढ़े हुए हैं उनमें से 80% स्टूडेंट्स को वर्क फ्रॉम होम जॉब मिला है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप घर से बैठ के अच्छे से जॉब भी कर सकते हो, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है तो घर से पढ़ाई भी कर सकते हो। दोस्तों अगर हम फंक्शन अप के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प किया जाता है, आपको जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हर स्टूडेंट को 1-1 मेंटरशिप मिलता है, यानी आपके लिए एक असाइन मेंटर होंगे जिनसे आप बात कर सकोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकोगे, अपने डाउट्स को पूछ सकोगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेवल के जॉब्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, 5 से 40 LPA वाली जॉब आपको मिल सकती है, और MNCs के साथ साथ US बेस्ड जॉब्स भी आपको मिल सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हो कोर्स कंपैरिजन भी है जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपको ना आपके स्कूल्स में मिलने वाले हैं, यानी स्कूल्स का मतलब जो आपके कॉलेजेस होते हैं ना वहाँ पे मिलने वाले हैं, ना ही अदर किसी ऑनलाइन कोर्स में मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें फंक्शन अप के बारे में तो फंक्शन अप बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छे से फोकस करता है, क्योंकि बैकएंड डेवलपमेंट अगर फुल स्टैक डेवलपर की बात की जाए तो बैकएंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तरीके से बैकबोन होता है। तो बैकएंड डेवलपमेंट में फंक्शन अप बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। अगर हम कोहोर्ट प्लानिंग के बारे में देखें तो ये सारा वीक डिवाइड है, कब क्या आपको पढ़ाया जाएगा टोटली फिक्स्ड है, आपको उसी सीक्वेंस में उसी स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें स्केड्यूल के बारे में तो आपको टोटली डेली बेसिस पे 9 hours डेडिकेट करने होते हैं, जो थ्योरी और कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए 2 से 3 घंटे, इसके साथ साथ आपको मेंटर का सेशन भी होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है 2 से 3 घंटे, और प्रैक्टिकल लर्निंग होती है 4 घंटे तक। तो ये सारा आप सोच सकते हो दिन भर में 9 घंटे आपको पढ़ने होते हैं, और 9 घंटे आप डेली पढ़ते हो तो आप लोग सोच सकते हो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हो, वो सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी ISA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मिनिमम जॉब गारंटी के बारे में तो मिनिमम CTC आपकी 5 LPA होने वाली है, और आपका जो फी पेमेंट है वो 17% ऑफ योर फर्स्ट सैलरी है, यानी जो आपको सैलरी मिलती है उसका 17% आपको इन्हें देना होता है 36 months के लिए। इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनको 50% की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो यार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं जो कि इंडिया के या फिर MNCs में जॉब कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गोल्डमैन में, यहाँ पे MongoDB, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेशनल सिस्टम। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे आपको मेंटर्स मिलने वाले हैं जो कि MNCs में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है। दोस्तों मैंने एक चीज मेंशन करना भूल गया कि ये जो फंक्शन ऑफ है वो कोशिश करते हैं और मेजरली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जॉब मिलती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कौन कौन सी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं, तो यहाँ पे खुद फंक्शन ऑफ का एक प्लेसमेंट सेल है, यानी जैसे आपका कॉलेज में होता है प्लेसमेंट सेल जहाँ पे प्लेसमेंट्स होती हैं, वैसे कंपनीज फंक्शन ऑफ पे आती हैं और वहाँ से इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। और अगर हम बात करें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, जो मेजर कंपनीज हैं जैसे Amazon है, Adobe है, क्रेड है, शेयरचैट, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, माइक्रोसॉफ्ट, देख सकते हो जो MNCs हैं और जो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, टॉप टेक जायंट्स हैं, वो सारी कंपनीज फंक्शन अप से हायर कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छा बूट कैंप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में फाइनल ईयर में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्किल उतना अच्छा नहीं है, आप कॉलेज के प्लेसमेंट्स में उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाए हो, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आप पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब नहीं मिली है और आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी फंक्शन आपको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं यहां पे आपको कैसे एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के लिए सिंपल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करना है। वहां से जाओ, एक छोटा सा फॉर्म होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आपको फिल करने होंगे, उसको आप फिल करते हो तो आपको फंक्शन अप की तरफ से कॉल आएगा जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके साथ साथ जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स आप
क्लियर नहीं है फंक्शन के बारे में, वो सारा कुछ पूछ सकते हो। अगर अब उस कॉल के बाद आप अग्री करते हो तो आपको एक असाइनमेंट के लिए लिंक आएगा, उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो, उसे पास कर लेते हो, तो सिंपल आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा और वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा फंक्शन अप में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जरूर से मुझसे पूछो, और साथ में ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कैसी वीडियोस आप देखना पसंद करते हो ताकि मैं वैसी ही वीडियोस बना के आप लोग की हेल्प कर सकूं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।